नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। आज आपसे शनि अमावस्या के विषय में बात करूंगी, जिसको शनि जयंती भी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष 22 मई 2020 को शनि अमावस्या या शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन का इतना महत्व तो क्यों है, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? शनि से हम सभी लोग बहुत डरते हैं, इसलिए ये एक चलन चल गया है कि शनि से रिलेटेड कोई भी दिन जो है वो बहुत ही, जिसको आप कहते हैं, थोड़ा सा प्रोपोगेंडा कर दिया जाता है। लेकिन मैं कहूंगी कि इस दिन, क्योंकि शनि का जन्मदिन है, जयंती है, तो इस दिन जो है आपको शनिदेव का ध्यान करना चाहिए। आपको उनसे अपनी वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। शनि की जयंती है तो आप उनके जो प्रिय लोग हैं उन्हीं को तो दान पुण्य करेंगे ना। गरीब लोगों का ख्याल रखें, सोसाइटी के नीचे तबके को सम्मान दें, और ऐसा जब आप करेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। क्या क्या कर सकते हैं आप शनि अमावस्या को, शनि को प्रसन्न करने के लिए? सबसे पहले आप शनि के कल्याणकारी मंत्र की 108 बार जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा काम, आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर सकते हैं। तीसरा काम, आप कासे के पात्र में तेल लेकर अपना मुंह देखकर, जिसको हम छाया दान कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। चौथी बड़ी बात, आप घोड़े की नाल यदि कहीं मिल जाती है तो आप लाकर उसको अपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी कि आप भंडारा करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और आजकल तो स्थिति भी ऐसी है कि जितना दान किया जाए उतना कम है। आप जगह जगह देख रहे हैं, भूखे हैं लोग, परेशान हैं, और शनि का प्रकोप है कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर इस वक्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल कि शनि का जाप किया जाए, शनि के शांति के मंत्र पढ़े जाएं। उनके मंदिरों में तेल का अभिषेक वगैरह होता है, जिसके मैं बहुत पक्ष में नहीं हूं। मेरा कहना है कि आप उस तेल को, एक बोतल तेल को लेकर किसी गरीब को दें, जिससे उसके घर में एक महीने उससे सब्जी बन सकती है। और मेरा, आप विश्वास कीजिए, शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। यदि आपको तेल चढ़ाना भी है तो प्रतीक रूप में थोड़ा सा वहां जाकर चढ़ा दें शिला पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दान करें आप। इस वक्त आप शिव की आराधना भी कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इस दिन शनि देव की आराधना और हनुमान जी की आराधना आपको शनि के दिए हुए कष्टों से बहुत बचाती है। और यदि आप इसकी दशा, अंतरदशा या साढ़े साथी या ढैया में चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। इस दिन जितना ज्यादा दान कर सकते हैं करें, भूखों को भोजन करवाएं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आपसे दोबारा मिलूंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।